गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज काफ़ी दिन से आप सुन रहे होंगे कि मैं अपने नंद के जाने के लिए जा रही हूँ, मगर जा नहीं पा रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा थी। और अब तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर अनुषा भी बोल रही थी मम्मी पप्पो के घर चलो, तो फिर वहीं पर जा रही हूँ। और एक खुशखबरी जो मैं बहुत खुश हो रही हूँ आज, कि ये कपड़े हैं ना, ये बिल्कुल मेरे आ नहीं रहे थे और अब आ गए हैं। अनुषा का बर्थडे था जब मैंने ये निकाले पहनने के लिए, और इतना मतलब यहाँ तक आए नीचे नहीं जा रहे थे, तो फिर पहने ही नहीं थे, और अब इतना आराम से आ गए हैं। इतना अच्छा लगता है ना, अगर आपके कपड़े जो ना रहे हैं वो आने लगे। मैं तो वैसे भी अब बहुत कोशिश कर रही हूँ कि पतली हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ये देखिए बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा, इतनी मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस, और जो कुछ आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अनुषा नहा रही है, उसके पापा फिर रेडी हो जाते हैं, फिर हम निकलते हैं। ये धूप कितनी अच्छी हो रही है, तो इसलिए सोचा फिर चलते हैं। अनुषा काफ़ी दिन से कह रही फुप्पो के जाने के लिए। धूप भी तेज़ है और उतनी ठंडक नहीं है आज मौसम में, तो फिर जाते हैं। इंजू को खाना खिला कर जाना, देखती हूँ क्या कर रही है, सो रही है क्या। इंजू क्या कर रहा है बच्चा, हाँ बच्चे दूध पी रहे हैं, खाना खाना है, मैं जा रही हूँ फिर, नहीं मत खा, ठीक है जाऊँ मैं, जाऊँ इंजू बाय। इसके बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, एक तो इतना प्यारा है छोटा सा ये वाला इंजू। तो इंजू को अभी तो भूख नहीं है, अभी सुबह में खाना खाया था इसने, तो इसका खाना ना फिर बाहर रख कर चली जाऊँगी और दरवाज़ा खोल दूँगी, अपना कमरा बंद कर जाऊँगी। और इसका कमरा इसलिए बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि ये बाहर आ जाती है अपने बच्चों को लेकर, इसीलिए बंद करके रखना पड़ता है। मेरे पास आ जाती है, बिस्तर में घुस जाती है फ़ौरन, जहाँ मैं होती हूँ ना वहीं पर आ जाती है। और नहा ली, इंजू भी आ गई, इंजू भी आ गई, इसे खाना दे देती, तो खाना खा लो। और ये मेरे पेड़ सारे सूख गए हैं जितने भी लगाए थे, बस ये दो तीन सही हैं, ऊपर रखे रहे, इतनी वो थी ना कोहरा सा था, जो उसी वजह से सारे ख़राब हो गए। तो कोई नहीं, अब ठीक हो जाएंगे। जहाँ मैं देख खड़ी होंगी ना वहीं पर खड़ा होना है ना इंजू। चलो खाना खाओ फटाफट, फिर मैं जा रही हूँ, जाओ इंजू। मम्मी क्या कर रही हो, अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, वहाँ जाकर फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो जो थोड़ी बहुत होती है वो कर लेती हूँ। तैयार नहीं हुई? तैयार हो रहा है पापा, अभी होंगी। पापा पता नहीं बाहर गए, तैयार हो रहा मैं तो कब से रेडी हो गई हूँ, और अनुषा उधर रेडी हो रही है, और उसके पापा नहाने गए हैं, और एक बज गया, एक बजे तो हम खाना खा लेते हैं। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ और खा के चल जाएंगे, तो कुछ देखती हूँ क्या बनाती हूँ। थोड़ा सा चावल ही बना लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा खाने को, उतनी हमें आदत भी नहीं है खाने की लेट, तो थोड़ा थोड़ा सा खा के फिर जाएँगे वापस, देखती हूँ क्या बना। तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, हस्बैंड ने मना कर दिया कि कुछ नहीं बनाना, तो ये चाउमीन बनाई थी कल, वो रखी थी थोड़ी सी थोड़ी सी, बस थोड़ा सा खाऊंगी। अनुषा से बोल रही हूँ खा लो, वो मना कर रही है। तो मेरा जब खाने का टाइम हो जाता है उसी टाइम भूख लगती है, वरना मैं सोच रही थी कि ये भी खा लेते, कुछ बना लेती, तो मना कर दिया कि कुछ नहीं, बस लेट हो रहा है चलते हैं, तो फिर चलते हैं और खाना वही जाकर खाएंगे। हम सब रेडी हैं, और ये अनुषा छुटिया कहाँ पर मुड़ रही है क्या पहन रही है, ब्रेसलेट, कितनी सुंदर सी ब्रेसलेट है निशा की। चलो नीचे, चल नीचे चल। ओए इंजू कहाँ चली गई, चल इंजू, चल नीचे, मेकअप करना है। इसे पता चल जाता है जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसी करती है, आगे पीछे घूमती रहेगी कि छोड़ कर क्यों जा रहे हो। इंजू कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, तो चलिए फिर चलते हैं। थोड़ा सा करिए, क्या सकते हैं
चलते हैं, वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। मुझे नहीं बिठा रही मेरे को। छोटी खाना बना रही है। क्या बना रही शान है? लेस। अंधेरा कितना हो रहा है ना कमरे में। हमारे यहाँ पे लाइट लाइट लगा रखी मैंने वीडियो की वजह से। और वैसे आवाज से बोल सकती हो, चेहरा दिखाना मना है। अगर नहीं बोलेगी तो दिखाऊं? तो बता। नहीं बोलेगी तो दिखाऊं? चेहरा दिखा दो। ये चीज आती नहीं वीडियो में बिल्कुल भी। घर में कोई भी नहीं आता, इसलिए बस मैं अपना अपना चेहरा दिखाए जा रही हूँ। वो शीशे में दिख रही शाना, थोड़ी सी शॉल दिख रही, नहीं दिख रही पागल। कोई ज्यादा लगता है नहीं उनके, तो काम करते ही हैं वो तो। मेरा काम नहीं है। एक एक गाड़ी पे 50,000 कमा लेते हैं वो आराम से। और ये दोनों रजाई के बिना तो रह ही नहीं सकते। फ़ौरन जैसे आए ना तो रजाई मांगी इन्होंने, रजाई ओढ़कर आराम से बैठ गए हैं। ना घर पर रजाई के बिना रहते हैं ना वहाँ पर, तो बस इनका यही चलता रहता है सर्दी में। मम्मी कह रही बच्चे तेरे सेफ है, तब फिर मैं धर से गई। मैंने तो लगा नहीं, तो दोनों बाजार में चली गई। मैं यहां बच्चों के पीछे भागी फिर रही सारे बच्चे बड़े बच्चों को क्या खाए बच्चे खाए बच्चे छोटे को बनाना और हॉस्टल भी बनेगा गर्ल्स हॉस्टल है ना। हां ठीक है क्यों तेंजू हमारा इंतजार कर रही है या नहीं? यहाँ तो है नहीं, बाहर कहाँ है इंजू के लिए। आज मैं उसका गेट खोल कर गई थी और अपना गेट बंद करके गई थी। इंजू मुझे इतनी याद आई। इंजू तुझे भी याद आई? तुम तो बात ही मत करो मेरे से। इंजू को याद आई थी? इंजू को मेरी याद आई? चलो चलो, तो हम अपने घर आ गए हैं। और सर्दी इतनी ज्यादा हो जाती है ना शाम को, इतनी सर्दी लग रही है। और इंजू थोड़ी नाराज सी भी लग रही है, तो बस अब बेबो कमरा खोल लो।
कर रही है, हट जा। छोड़। इंजू अभी दे रहे हैं बाबू, रुक जा। अब नहीं लेके जाएगी, इतना बड़ा थोड़ी मुंह में आ जाएगा। इंजू जब बेबो रख कर आ जा, जा। इंजू छोड़। जब बेबो रख दे। अनुषा को लग रही है भूख, अब उसके लिए मैं रोटी बना देती हूँ जल्दी से। उसके पापा तो मना कर रहे हैं कि बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का, तो बस मैं भी नहीं खाऊंगी, अनुषा खाएगी। और बस मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।